आलिया भट्ट को पहली बार मिला है नेशनल अवार्ड, और जैसे ही आलिया भट्ट इस अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पर पहुंची तो उनके पति रणबीर कपूर ने अपना मोबाइल निकाला और इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए उनकी खूब सारी फोटोज़ और वीडियोज़ ली। बस यही फोटो और वीडियोज़ इंटरनेट पर जम के वायरल हो रही है और उनके फैंस बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। बता दें, आलिया भट्ट को ये अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए मिला है और आलिया भट्ट कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आलिया भट्ट इस अवार्ड को लेने के लिए अपने वेडिंग आउटफिट में ही आ गई है। जी हाँ, आलिया भट्ट ने अपने शादी में जो जोड़ा पहना था उन्होंने वही जोड़ा रिपीट किया है और नेशनल अवार्ड लेने के लिए वो वही पहन कर आई है, जिसमें कि एक बार फिर से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी स्टार्स अपने आउटफिट को रिपीट ही नहीं करते हैं और आलिया भट्ट ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। आलिया भट्ट ने अपनी वेडिंग ड्रेस रिपीट कर ली है और एक न्यू ट्रेंड सेट कर दिया है सभी के लिए। आलिया भट्ट ने वैसे तो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म की है, उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी में जो दमदार एक्टिंग उन्होंने दिखाई थी उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है और इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। बता दें, ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड है जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर आलिया भट्ट अपने हस्बैंड रणबीर कपूर के साथ पहुँची है। वहीं आपको बता दें कि जब आलिया भट्ट स्टेज पर अपना नेशनल अवार्ड लेने पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने स्टेज को चूमा और फिर आगे बढ़ी। इसी दौरान ऑडियंस में बैठे रणबीर कपूर अपनी वाइफ की वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही रणबीर के चेहरे पे एक अलग सी खुशी छलक रही थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो भाई, वाइफ को नेशनल अवार्ड जो मिला है। दे आलिया ने साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरीज पहनी है और सर पे अपना हेयर स्टाइल पे उन्होंने एक बन बनाया हुआ है और बन में दो सफ़ेद कलर के रोजेस लगाए हुए, ऐसे उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है। ये कह सकते हैं कि गंगूबाई के लिए उनको ये अवार्ड मिला है और वो गंगूबाई के लुक में ही आके उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। बता दें, आलिया भट्ट के अलावा इस अवार्ड में पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन, कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, करण जौहर, वाहिदा रहमान जैसे बहुत से बॉलीवुड स्टार शामिल हुए हैं और यहाँ आलिया भट्ट और कृति सैनन दोनों को ही बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, बेस्ट एक्ट्रेस कृति को फिल्म मिमी के लिए ये अवार्ड दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने जूरी मेंबर्स और फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।